आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी गोरखपुर दौरे पर है, जहां रामनवमी के मौके पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कन्या पूजन भी करेंगे। वही कन्या पूजन के अलावा सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में ओपन थिएटर में श्री राम जन्मोत्सव में शामिल होंगे। इससे पहले जनता को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए सीएम आदित्यनाथ ने आज सुबह ट्वीट करते हुए भी कहा कि सभी को महापर्व श्री रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां आज रामनवमी के अवसर पर उन्होंने पहले गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, उसके बाद वो कन्या पूजन में भी शिरकत किए। साथ ही आपको बताते चले कि इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का शुभारंभ भी किया है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए राम जन्मभूमि की हार्दिक बधाई भी लोगों को दी है। वही अगर रामनवमी की बात करी जाए तो योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए आज सुबह कहा कि सभी को महापर्व श्री रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आपको बताते चले कि योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां रामनवमी के अवसर पर आज योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने कन्याओं के पैर भी धोए हैं, साथ ही उनको भोज भी कराया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, उन्होंने रामनवमी की शुरुआत आखिर कैसे की है? सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना किए हैं, इसके बाद से ही अभी एक कार्यक्रम उनका है जिसमें वो 9 कन्याओं और एक बटुक को भोजन कराएंगे, उनका पैर छुएंगे, उनके पैर को धुलेंगे पूरी तरह से और उनको दान दक्षिणा भी देंगे। इसके साथ कुछ सामान भी उनको गिफ्ट करेंगे। इसी के साथ वो अपने रामनवमी की शुरुआत करते हैं और हमेशा ही ऐसा होता है कि हर साल उनका ये परंपरा चली आ रही है गोरखनाथ पीठ की, जो भी महंत होता है वो 9 दिन व्रत रहता है और मठ से कहीं निकलता नहीं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब से सीएम बने हैं तो उनके पर कार्यभार ज्यादा है, तो उनको अन्य अन्य योजनाओं के लिए अन्य कार्यों से बाहर जाना पड़ता है और लखनऊ में भी रहना पड़ता है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि गोरखपुर आते हैं और प्रथम दिन भी आते हैं, अंतिम दिन भी आते हैं और यहाँ पे पूजन का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। हिमाचल सीएम योगी आज रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में मौजूद है, तो आज उनके कौन कौन से अन्य कार्यक्रम भी गोरखपुर में निर्धारित किए गए हैं? जी, सीएम योगी आदित्यनाथ को 10 बजे आयुष मेले का उद्घाटन करना था, शुभारंभ करना था, जहां से वो मंच पे जाकर के जनता को संबोधित भी करते। ऐसे में बता दें कि आज से आयुष मेले का शुभारंभ हो रहा है कि हर रविवार को आयुष मेले के हिसाब से हर रविवार के दिन डॉक्टर जो है सभी आम नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएंगे, उनकी निःशुल्क पूर्ण जांच करेंगे और पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में उनकी मदद करेंगे, उनको दवाइयां देंगे, जिस तरह की भी जांच होगी वो निशुल्क किया जाएगा। हिमांशु, आज इसके बाद से आरोग्य मेले की शुरुआत हुई है, तो इस मेले के दौरान क्या क्या खासियत रहेगी इस मेले की? इस मेले की सबसे खास बात यह है कि आज से ही शुरू होने वाला मेला हमेशा चलता ही रहेगा जब तक योगी आदित्यनाथ इस पे अपना बनाए हुए हैं कि कब तक ये चिकित्सा व्यवस्था चलेगी। और आने वाले दिनों में आपको बता दें कि इनका सशक्त आदेश भी है कि चिकित्सा मेला जो आरंभ किया जा रहा है उस पे अमल किया जाए और हर रविवार को आम जनता की जो है चिकित्सा व्यवस्था देखी जाए, पूरी तरह से उनका स्वास्थ्य का जायजा लिया जाए और जितने भी मरीज आएंगे उनको जो है पूर्ण रूप से स्वास्थ्य का जितने भी जांच होती है, शुगर से ब्लड प्रेशर हर तरीके की जांच करके उनको सहयोग दिया जाएगा, उनको दवाइयां मुफ्त दी जाएंगी। हिमांशु, अगर इस मेले की बात की जाए तो इस मेले से जो चिकित्सा मेले की शुरुआत आज योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के अवसर पर की है, तो इससे लोगों को चाहे वो किसी भी तबके का हो उनको फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, तो लोगों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है इस मेले को लेकर? जी, बता दें कि कौड़िया ब्लॉक पे सीएम योगी आदित्यनाथ वहां से शुभारंभ किए हैं आयुष मेले का, तो ऐसे में वहां पे जनता की भारी भीड़ थी, लोग योगी आदित्यनाथ को देखने आ रहे थे और उनको इस चीज की खुशी थी कि अब चिकित्सा व्यवस्था में काफी बढ़ोतरी की जाएगी और डॉक्टरों की अच्छी डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी सभी सीएससी और पीएससी पे और सभी हॉस्पिटलों पे जितने भी स्वास्थ्य केंद्र होंगे वहां पे अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और इसके बाद चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू चलाया जाएगा और हर रविवार को संपूर्ण जांच की जाएगी, जितने भी रोगी आएंगे या जितने भी मरीज आएंगे, आम जनता भी अगर आती है तो उसके भी पूरी तरह से जांच की जाएगी कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है, रोग है जैसे आप ले सकते हैं ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, किसी भी तरह के रोग की पूरी जांच मुफ्त की जाएगी।
हिमांशु, अगर बात करी जाए तो बीते दिनों गोरखनाथ मंदिर में एक बड़ा हमला देखने को मिला था, तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां कर ली है योगी के दौरे को मद्देनजर रखते हुए? योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं, गोरखनाथ का मठ है, यहाँ पे आते ही रहते हैं, और ऐसे में जो हमला हुआ था इसके बाद से शासन पूरी तरह से कमर कस लिया है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। ऐसे में बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से आज स्कैनर से सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है, कैमरे लगाए गए हैं, सामानों की स्कैनिंग की जा रही है, लोगों को मेटल डिटेक्टर से होकर के जाना पड़ रहा है और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की गई, पुलिस हर जगह अलर्ट है, यहाँ तक कि इधर यहाँ पे जहाँ पे कन्या पूजन करना है मीडिया तक को आने के लिए उनको आई कार्ड और उनकी जांच की पूरी सघन जांच करके उसको उनको भेजा गया है और किसी को भी यहाँ अंदर आने की इजाजत नहीं है आम व्यक्ति को। हिमांशु, कन्या पूजन का आखिर समय क्या है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद है तो वो कन्या पूजन भी करेंगे, तो उस कन्या पूजन का समय क्या निर्धारित किया गया है? देखिए कन्या पूजन का समय मुस्कान आपको बताते हैं 11 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया था सीएम योगी, हालांकि 10 बजे उनको कौड़िया ब्लॉक पहुंचना था लेकिन कुछ लेट हो जाने की वजह से वो 10 बजे के आसपास वहां पहुंचे हैं और जैसे ही वहां पर संबोधन कर रहे हैं और करते ही वो वापस आएंगे गोरखनाथ मंदिर में, और गोरखनाथ मंदिर में आने के बाद कन्या पूजन करेंगे और उसके बाद जितनी भी 9 कन्या और एक बटुक है उसको जो है उनके पैरों को धोएंगे, उनको भोजन कराएंगे और साथ में उनको सामान वस्तुएं और दान देंगे। इसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है एक ओपन थिएटर का, श्रीराम ओपन थिएटर का जो है शुभारंभ करेंगे, जहां पे श्रीराम के जो है जन्मोत्सव के लेकर के सारी कथाएं बताई जाएंगी, एक फिल्म दर्शाया जाएगा, उनको संगीत के और पिक्चर के माध्यम से सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद हिमांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद है, इस दौरान उनके कई कार्यक्रम भी निर्धारित किए गए हैं। आपको बताते चले कि सीएम योगी 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में मौजूद है, वहीं आज रामनवमी के अवसर पर वो तकरीबन 11 बजे कन्या पूजन भी करेंगे और सीएम के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है, पूरे जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम भी कर लिए गए हैं। देश भर में आज रामनवमी बेहद ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। चैत्र नवरात्रि का शुभ पर्व 2 अप्रैल से शुरू हुआ था और अब आज ये समाप्त होने जा रहा है। रामनवमी का बहुत ही महत्व है क्योंकि इस दिन को भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाना जाता है। अयोध्या में रामनवमी के लिए खास तैयारियां की गई हैं, भक्तों के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है, मंदिर पर आकाश से पुष्प वर्षा भी होगी, वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता भी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अयोध्या में रामनवमी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश भर में इस वक्त रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। जाए तो आज रामनवमी के मौके पर पूरे देश में इस पर्व की धूम देखने को मिल रही है। वहीं अगर धर्मनगरी की बात करी जाए तो सुबह से ही वहां पर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है, फिर चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो प्रयागराज ही क्यों ना हो, सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। साथ ही आज कई जगहों पर कन्या पूजन का भी आयोजन किया जाएगा, इस दौरान छोटी छोटी कन्याओं को भोग लगाया जाएगा। साथ ही अगर बात करी जाए इस पर्व की तो ये 2 अप्रैल से पर्व शुरू हुआ था जो आज खत्म होने जा रहा है, यानी रामनवमी को इस पर्व का समापन होगा। इस नवरात्र को लेकर लोगों की तमाम आस्थाएं भी इस पर्व से जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि लगातार आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के 4 जनपदों की तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और अंबेडकर नगर की तस्वीरें आप सीधे देख सकते हैं, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारों में मौजूद है, फिर चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या बच्चे ही क्यों ना हो, सभी इस रामनवमी के मौके पर माता या भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। यही वजह है कि लगातार देखा जाए तो सुबह से ही भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात अयोध्या की जाए तो अयोध्या में इस पर्व को लेकर लोगों की एक अलग ही मान्यता है। रामनवमी को लेकर अयोध्या में खासा लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, सुबह से ही लगातार लोगों की भीड़ लगती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करी जाए सरयू घाट की तो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग तमाम प्रदेशों से, देशों से
यही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर लोग शिरकत कर रहे हैं ताकि वो भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त कर सके। भाई अगर बात करी जाए अयोध्या की तो यहाँ की दीवारों पर ही भगवान श्री राम का बेहद ही सुंदर तरीके से चित्र दर्शाया गया है, जिसमें भगवान श्री राम की पूरी जो कहानी है बचपन से लेकर जो उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया वो अयोध्या की दीवारों पर चित्रण के जरिए समझाया गया है। वहीं अगर बात करी जाए गोरखपुर कानपुर अंबेडकर नगर की तो इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गोरखपुर में कानपुर और अंबेडकर नगर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 2 अप्रैल से शुरू हुआ ये पर्व अब आज अपने अंतिम पड़ाव की ओर यानी कि आज इस पर्व का अंतिम दिन है रामनवमी, बेहद ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। भगवान श्री राम से जुड़ा ये पर्व रामनवमी है जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है। वही अगर हम अयोध्या की बात करी जाए तो इस वक्त अयोध्या में आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ सरयू घाट पर स्नान के लिए लगी हुई है। लोग लगातार सरयू घाट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जहां बीते 2 सालों में कोरोना महामारी के चलते इस पर्व को धूमधाम के साथ नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है, सरकार द्वारा गाइडलाइंस में छूट दी जा रही है, यही वजह है कि अब हर त्यौहार को पहले जैसे ही मनाया जा रहा है। कई पर श्रद्धालु डांस करते हुए यानी कि नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर्व को मनाने के लिए लोग नृत्य भी कर रहे हैं, कोई लेट के माता के दरबार तक पहुंच रहा है ताकि उन्हें माता का सानिध्य प्राप्त हो सके, माता का आशीर्वाद मिल सके। वही अगर हम बात गोरखपुर की करी जाए तो इस वक्त गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है जो कन्या पूजन के साथ ये पर्व मनाएंगे। कानपुर अंबेडकर नगर गोरखपुर अयोध्या समेत पूरे विश्व में ये पर्व बड़ी बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। पूरे विश्व में भगवान राम को लेकर लोगों में एक अलग ही आस्था देखने को मिलती है। इस वक्त आप देख सकते हैं रामलला की तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर और तमाम जगहों पर बात करी जाए तो कन्या पूजन भी किया जा रहा है। कई जगहों पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तो तमाम जगहों पर नवमी के भी दिन कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के साथ ही इस ये पर्व जो है वो समाप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि कन्याओं को भोज कराना देवी को भोज कराने के बराबर कहा जाता है। यही वजह है कि रामनवमी के मौके पर जब कन्या भोज कराया जाता है तो इसमें 9 कन्याओं को जरूर से भोज कराया जाता है। रामनवमी के 9 दिन हम अलग अलग माताओं की पूजा करते हैं, फिर चाहे वो चंद्रघंटा हो, ऐसी माताओं की हम पूजा करते हैं। यही वजह है कि रामनवमी के अवसर पर जो सभी 9 कन्याएं हैं उनको भोज करा के ये पर्व मनाया जाता है। छोटी कन्याओं को देवियों के बराबर माना जाता है, यही वजह रही है कि रामनवमी के मौके पर कन्याओं को भोज कराया जाता है। और सीएम योगी खुद भी इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है जो करीब 11 बजे यानी कि कुछ ही देर में कन्याओं को भोज कराएंगे। तो देश भर में आज रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है, सुबह से ही मंदिरों के बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। वही अगर बात अयोध्या की जाए तो अयोध्या में इस पर्व का एक खासा ही महत्व है क्योंकि ये पर्व भगवान राम के जो जीवन है उसमें जो उन्होंने संघर्ष किए थे उसको दर्शाता है। सुबह से ही लगातार मंदिरों के बाहर भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए गोरखपुर से हमारे संवाददाता हिमांशु और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज रामनवमी का पर्व बेहद ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है तो गोरखपुर में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? सुबह से ही आपको बता दें मुस्कान कि सुबह से ही आज मंदिरों में लोगों की भीड़ लगी है, खाली मात्रा में श्रद्धालु मंदिर पे गए हैं, मां के 9 रूपों के दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद से दर्शन करने के बाद वहां प्रसाद चढ़ाते हैं, इसके बाद घर जाकर के या वहीं पे हवन पूजन करते हैं मंदिर में ही और अपने व्रत को उसके बाद संपन्न करते हैं। चूंकि कन्या का पूजन का होता है, 9 कन्या को मान करके उनको भोजन कराते हैं, उनको भोज कराते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, सामान इत्यादि देते हैं। ऐसे पूरा उत्साह है और खुद सीएम योगी आदि
आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन अब से कुछ ही देर में करने जा रहे हैं। हम खुद वहां पे खड़े हैं, ग्राउंड जीरो से हम इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 9 कन्या एक बटुक को भोजन कराएंगे और उनका पैर छुएंगे, पैर धोएंगे। ये परंपरा रही है गोरखनाथ मंदिर की सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर कोई भी ये मंदिर का महत्व हो, वो हमेशा ही 9 दिन व्रत रहता है और 9 कन्याओं को 9 माताओं के रूप में मान करके उनके पूजन करता है, उनके चरणों को धोता है, फिर उनको जो है सामान और दक्षिणा देता है, भोजन कराता है। उपेंद्र, इस वक्त आप किसी मंदिर के बाहर मौजूद नजर आ रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त आप कौन से मंदिर के बाहर मौजूद है कानपुर में। उपेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज सुन पा रही है? तो कानपुर में इस वक्त जहां हमारे संवाददाता मौजूद है वहां पर जो आवाज है, जो लोगों की भीड़ है, उसकी वजह से शायद उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उनसे संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे। तो हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे तकरीबन कन्या पूजन करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है वहां पे? बता दें कि पूरी तरह से कि 9 कन्याएं जिनको भोजन कराना था वो आ चुकी हैं। जी सर, एक बटुक भी आ चुका है, एक बालक जिसका पूजन कराना था, योगी आदित्यनाथ का इंतजार है कि जैसे ही वो गोरखनाथ मंदिर में वापस पहुंचते हैं और इसके साथ ही वो यहाँ पे पूजन अर्चना शुरू कर देंगे, एक पूजा का कार्यक्रम है, इसके बाद कन्याओं को भोजन कराएंगे। और यहाँ पे तमाम मीडिया के लोग जुड़े हुए हैं, भारी मात्रा में यहाँ भीड़ लगी हुई है, श्रद्धालुगण यहाँ पे जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से कन्याओं के लिए तैयारियां कर दी गई हैं और साथ ही साथ उनके पूजन अर्चना की भी तैयारी की हुई है। यहाँ पे पुरोहित भी आ चुके हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ को पूजा कराएंगे, पूजा अर्चना कराएंगे। इसके बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ 9 कन्याओं को भोजन कराने के साथ उनका चरण को धोएंगे, एक थाली में धोते हैं परंपरा के अनुसार है, और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उनको दान दक्षिणा देंगे भोजन करा के। उपेंद्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उपेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो तकनीकी कारणों से हमारा कानपुर के संवाददाता उपेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हम हिमांशु एक बार फिर आपके पास आते हैं। तो सीएम योगी की और क्या क्या अन्य कार्यक्रम है जो आज रामनवमी के अवसर पर निर्धारित किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज आयुष मेले का एक शुभारंभ करना था जिसका योगी आदित्यनाथ शुभारंभ कर रहे हैं, इसके साथ ही जनता को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर में आना, जहां 11 बजे से कन्या पूजन का कार्यक्रम है, जहां योगी आदित्यनाथ 9 कन्या एक बटुक कर पूजा करेंगे, उनका पूजा अर्चना करेंगे, माँ की पूजा अर्चना करने के बाद कन्याओं की पूजा अर्चना करेंगे, उनको आरती दिखाएंगे और साथ में उनको भोजन कराएंगे, उनका चरण धोएंगे और उनको दान दक्षिणा इत्यादि। धन्यवाद हिमांशु और उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज रामनवमी के अवसर पर पूरे देश भर में इस त्योहार की धूम देखने को मिल रही है, तमाम जगहों पर सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो मंदिर के बाहर लगना शुरू हो गया है। सभी जो भक्तगण है वो भगवान का सानिध्य यानी कि भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। यही वजह है कि सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो जो तमाम श्रद्धालु है वो लगातार चढ़ावा है वो माता जी के लिए लेकर पहुंच रहे हैं ताकि वो माँ को प्रसन्न कर सके और अपनी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर सके। वही अगर बात अयोध्या की जाए तो इस वक्त सरयू तट पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लोग आस्था की डुबकी में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लोगों का जो भारी हुजूम है वो इस वक्त अयोध्या में देखने को मिल रहा है। वही अगर बात गोरखपुर की करी जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ अभी थोड़ी ही देर में कन्या पूजन करेंगे, जहां वो कन्याओं के पैर धुलाएंगे, उनको टीका लगाएंगे, जिसके साथ ही वो कन्याओं को भोज कराते हुए उनको तोहफे भी वितरित करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता संजीव कुमार जुड़ चुके हैं। संजीव, आज पूरे देश में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है, तो वहां के लोगों में कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज रामनवमी का त्योहार पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ पीछे का दृश्य आपको एक बार दिखाई, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कैसा उत्साह है। जी संजीव, अगर बात करी जाए तो फिरोजाबाद में लगातार श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंच रहे हैं, तो वो ऐसा क्या चढ़ावा है जो मंदिर में लेकर पहुंच रहे हैं जिससे वो माता को प्रसन्न कर सके? देखिए फिरोजाबाद में ये जो मंदिर है ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर की काफी अच्छी मान्यता भी है फिरोजाबाद के अंदर, और लोगों का उत्साह, यहाँ कुंदरी, नारियल और ये सब चीजें जो प्रसाद में भेंट की जाती है वो माता रानी को यहाँ श्रद्धालु लगातार चढ़ा रहे हैं
और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। संजीव, ऐसी कौन सी मान्यताएं जुड़ी है इस मंदिर में जो लगातार सुबह से ही श्रद्धालुओं का वहां तांता लगा हुआ है? देखिए, ये जो मंदिर है ये वैष्णो देवी धाम का ये इकलौता मंदिर जो फिरोजाबाद में मौजूद है, काफी मान्यताएं इस मंदिर के साथ में जुड़ी हुई है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में जो भी मान्यता मन्नत मांगी जाती है वो 100% पूरी होती है। इसी मान्यता को लेके लोग यहाँ मंदिर में लगातार प्रसाद और पूजन कर रहे हैं लगातार। संजीव, इस वक्त आप मंदिर के बाहर मौजूद है, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप जो श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं आप उनसे जाके बातचीत करें और जाने कि आखिर वो मंदिर में ऐसी कौन सी मनोकामनाएं हैं जो लेकर पहुंच रहे हैं और साथ ही वो चढ़ावे के लिए क्या लेकर आए हैं मंदिर में। देखिए, मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो मंदिर में आए हैं तो क्या चढ़ावा उन्होंने चढ़ाया है। मतलब आप मंदिर में आए हैं, आपने किस मान्यता को लेकर इस मंदिर में आए और क्या चढ़ावा आपने चढ़ाया? मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम मनोज कुमार और मैं मंदिर पर आया हूँ। आपको माता जगदी देवी के दर्शन प्राप्त हुए हैं और मेरा कहना है कि इस मंदिर पर जो मनोकामना मांगता है वो मनोकामना पूरी होती है। और मैं यहाँ पर आया हूँ, गोले हैं, गोला सुंदर, माता रानी का श्रृंगार वगैरह मैं सारा बहुत कुछ लेकर आया हूँ। मुझे यहाँ माता वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त हैं और मुझे सौभाग्य मिला है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन प्राप्त हैं। और ऐसा ही हर साल त्यौहार आता है तो ऐसे हर साल त्यौहार मनाया जाता है। देखिए, आपने अभी सुना, देखिए ये आगरा से आए हुए श्रद्धालु हैं जिन्होंने माँ को चुनरी और नारियल चढ़ाया है। उनका कहना यह है कि जो भी लोग इस मंदिर में मन्नत मांगने आते हैं उनकी मन्नत 100% पूरी होती है। इसी मान्यता के तहत लोग यहाँ पर इस मंदिर तक जुड़े हुए चले आते हैं। जी संजीव, अगर आपके आसपास कोई महिला मौजूद है तो आप एक बार उनसे भी बातचीत करिए कि आखिर वो माता के लिए चढ़ावे में क्या लेकर आज मंदिर में पहुंची है। देखिए, मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह हमारे संवाददाता मंदिर के बाहर मौजूद है, जहां इस वक्त पूरा जो फिरोजाबाद है वो रामनवमी के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा तो घूम जाइए थोड़ा सा। अरे देखिए, कोई देखिए बात करने के लिए देखिए लोग तैयार नहीं है, क्योंकि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। काफी देर से यहाँ लोग लगे हुए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर यहाँ लगभग 40 डिग्री से ज्यादा है, इसलिए लोग कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। केवल लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी मंदिर में प्रवेश हो जाए और माता रानी के दर्शन हो जाए। यानी संजीव, ये कहा जाए कि पहले जो श्रद्धालु मौजूद है मंदिर के बाहर वो पहले माँ का दर्शन करना चाहते हैं, फिर उसके बाद ही वो कुछ बात करेंगे। तो धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त पूरे देश में रामनवमी की धूम, यानी रामनवमी बेहद ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रामनवमी को लेकर लोगों में कितनी आस्था है, कितनी आस्था के साथ लोग रामनवमी का पर्व मनाते हैं। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुबह से ही भारी भीड़ मौजूद है दर्शन पूजन करने के लिए, लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। वहीं अगर अयोध्या की बात करी जाए तो सुबह 4 बजे से ही सरयू के घाट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सरयू तट पर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, इस वक्त पूरे देश में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है, तो कानपुर के लोगों में रामनवमी को लेकर कितना उत्साह है? रामनवमी को लेकर कानपुर में जो है उत्साह काफी नजर आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे जो है मुंडन संस्कार, कान छेदन और जो होता है नाक छेदन, ये सब क्रिया जो है आदमी नवरात्र के लास्ट में कराता है। और आप बताते चले जो जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ कानपुर में, बारादेवी मंदिर लगभग 1700 साल पुराना मंदिर है कानपुर का, और यहाँ पे लोगों की आस्था काफी जुड़ी हुई है। उपेंद्र, इस वक्त आप हम देख सकते हैं कि आप इस वक्त मंदिर के बाहर मौजूद है, तो आप किस मंदिर के बाहर मौजूद है? ये जो कानपुर का बारह देवी का मंदिर है, यहाँ पर 12 देवियों की मूर्ति की स्थापना की गई है और लोगों की आस्था काफी यहाँ जुड़ी हुई है, हर तरह की आस्था आदमी जुड़ी इस मंदिर से। कितने साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है उपेंद्र? लगभग पुरातत्व विभाग के हिसाब से तो 1700 साल पुराना मंदिर बताया जाता है और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उपेंद्र, अगर बात करी जाए तो ये मंदिर 1700 साल पुराना बताया जा रहा है, तो इस मंदिर से लोगों की कितनी आस्था और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं? यहाँ पे जो आस्था और हर तरह की आस्था जो आदमी जुड़ी हुई है, जैसे कि आदमी को नौकरी को लेकर के, आदमी को संतान ना होने पर संतान की प्राप्ति के लिए आदमी यहाँ पे आस्था मिलते है। और आप बताते चले जो इस मंदिर में है, इस मंदिर पे जो आस पास जिले के लोग यहाँ पे आते हैं।
उपेंद्र, इस वक्त आप मंदिर के बाहर मौजूद है तो हम चाहेंगे कि आप जी उपेंद्र, इस वक्त आप मंदिर के बाहर मौजूद है तो हम आपसे चाहेंगे कि आप श्रद्धालुओं से बात करें कि आखिर वो कौन सी मनोकामनाएं लेकर आज मंदिर में पहुंचे हैं। आपको बताते हैं जो यहाँ पे है, जो यहाँ पे जो मंदिर है, मंदिर पे लोगों की आस्था काफी जुड़ी हुई है। आइए आपसे श्रद्धालु से बात कराते हैं, श्रद्धालु से बात कराते हैं आपकी कि आप इस महादेव मंदिर में आए, किस आस्था से मंदिर में आए? महादेव मंदिर दर्शन करने आए भैया। कितनी आस्था जुड़ी है आपकी मंदिर से? बहुत आस्था जुड़ी हुई है। आपकी कौन सी ऐसी मनोकामना है जो महादेव मैया सुनती है? मनोकामना थोड़ी नहीं बताई जाती भैया, सारी मनोकामना है। देखा आपने, जैसा कि श्रद्धालुओं ने बताया कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं यहाँ पे। धन्यवाद उपेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त आपने देखा किस तरह तमाम जो प्रदेश का अलग अलग जनपद है वहां से हमारे संवाददाताओं ने जुड़ा और ये भी बताया कि किस तरह से रामनवमी का पर्व अलग अलग जनपदों में अलग अलग मान्यताओं और आस्था के साथ मनाया जाता है। वही अगर बात करी जाए तो मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारों में लोग मंदिर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अयोध्या, गोरखपुर समेत ऐसे तमाम जनपद है जहां पर रामनवमी को लेकर लोगों की अलग आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं। वही सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में मौजूद है जहां वो कुछ ही क्षणों में यानी कि तकरीबन थोड़ी ही देर में वो कन्या पूजन का पर्व जो है वो मनाएंगे, यानी कि कन्याओं के साथ वो उनका पैर धोएंगे, उनको टीका करके उनको प्रसाद खिलाते हुए उनको उपहार भी देंगे। तो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और अंबेडकर नगर की तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है। लोग अपनी आस्था लेकर मंदिर में पहुंच रहे हैं। वहीं अगर कानपुर की तस्वीरें आप देखें तो लोग नृत्य के जरिए अपनी आस्था को दर्शा रहे हैं। तो वहीं कानपुर की ही एक और तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग लेट कर मंदिर में पहुंच रहे हैं, माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में सरयू तट पर लोग स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो 9 दिन तक चलने वाले इस पर्व का आज आखिरी दिन है। इस पर्व की शुरुआत 2 अप्रैल से हुई थी जो आज संपन्न हो जाएगा, जिसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। मंदिरों में जो स्त्रियां पहुंच रही हैं वो लगातार माता को चढ़ावे के लिए सामग्री लेकर पहुंच रही हैं, वो सुहाग की सामग्री लेकर पहुंच रही हैं माता को चढ़ावे के लिए। साथ ही लगातार जो हर एक वर्ग इस वक्त मंदिर में मौजूद है, फिर चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, लगातार इस वक्त सभी लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। माता का आशीर्वाद लेने के लिए लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। कानपुर और अंबेडकर नगर की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से लोग रामनवमी के पर्व को बेहद ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। वहीं अगर रामनवमी की बात करी जाए तो सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता मंदिरों के बाहर लगा हुआ है। लंबी कतारें श्रद्धालुओं की बाहर लगी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।